पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो ना हम शादी कर लेते हैं। संजीव, तुम बहुत अमीर घराने से हो और मैं बहुत गरीब। तुम्हारे घर के लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऊपर से मेरा रंग भी काला है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम काली हो लेकिन मेरे लिए बहुत सुंदर हो, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अब मैं तुमसे बस आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं? पता ही नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। संजीव और पूजा दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद संजीव अपनी पत्नी पूजा को अपने साथ अपने घर ले आता है। जैसे ही उसकी माँ घर का दरवाजा खोलती है, वो अपने बेटे के साथ एक काली सी लड़की को देखते ही अपने बेटे से कहती है, ये सब क्या है बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, इसलिए मैंने इससे शादी करके इसे अपने साथ अपने घर ले आया हूँ। आज से ये इस घर की बहू है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस काली लड़की को अपने घर की बहू स्वीकार कर लूंगी? जहाँ से इस लड़की को लेकर आया है उसे वहीं ले जाकर छोड़ दे, ये इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। आप एक औरत होकर एक औरत के ही काले और गोरे रंग की तुलना कर रही हैं? माँ, आपको ये सारी बातें शोभा नहीं देती है। खैर, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती है ना, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। चलो पूजा, हम कहीं और चलते हैं, इस घर में हमारी कोई जगह नहीं है। अपनी आंखों के सामने अपने ही बेटे को जाते हुए देखकर दुर्गा से रहा नहीं जाता और वो अपने बेटे को रोक लेती है। नहीं बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे, ये तेरा घर है, और अगर तू इस लड़की से शादी करके इस घर में ले आया है तो आज से ये लड़की इस परिवार की बहू है। आजा बहू, घर में आ। दुर्गा अपनी काली बहू का मन मार कर गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, ये लड़की इस घर के अंदर आ तो गई है लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। मैं इस लड़की को इस घर के अंदर टिकने ही नहीं दूंगी। अब मैं इसे इतना परेशान करूंगी कि ये घर से अपने आप ही भाग जाएगी। क्या हुआ माँ, इस गहरी सोच में चली गई हो आप? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ये कह रही थी कि अब नई बहू इस घर में आ गई है तो उसकी बाकी की रस्में भी शुरू हो जानी चाहिए। शादी के बाद की जो रस्में होती है वो करनी जरूरी होती है। ये सुनकर संजीव और पूजा बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि दुर्गा ने उनके रिश्ते को दिल से अपना लिया है, जिसके चलते संजीव कहता है, अरे माँ, ये आपकी बहू है, इससे आपको जो रस्में करवानी है आप करवा लीजिए, ये आपकी सेवा पानी करने में कभी भी कमी नहीं छोड़ेगी। सबसे पहली रस्म मुँह दिखाई की होती है, आज शाम को तुम्हारी मुँह दिखाई की रस्म की जाएगी। दुर्गा शाम के समय अपनी बहू की मुँह दिखाई की रस्म शुरू कर देती है, जिसमें गांव की कई सारी औरतें आती हैं और पूजा को देखकर उसे शगुन देती है। लेकिन ज्यादातर औरतें पूजा का रंग रूप देखकर उसे शगुन नहीं देती और मुंह बनाकर चली जाती हैं। ये देखकर पूजा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कह पाती। इतनी बेइज्जती के बाद भी इस लड़की को गुस्सा नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, इसके बाद रसोई की रस्म में इसकी छक्के छूट जाएंगे, आज तो इसे मैं बहुत जलील करूंगी। मुंह दिखाई की रस्म पूरी होने के बाद दुर्गा पूजा से कहती है, आज खाने पर 3 गांव के पंडित आने वाले हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई नई नवेली बहू आती है वो पंडितों के लिए भोजन बनाती है, और ध्यान रखना, भोजन स्वादिष्ट और साफ सुथरा बनना चाहिए। हमारे घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है, जाओ जो जो तुम्हें आज बनाना है उस सब की लिस्ट तुम्हें रसोई के अंदर मिल जाएगी। पूजा जैसे ही रसोई में जाती है, वहाँ पर उसे एक पेपर पर 56 भोग की लिस्ट मिल जाती है। वो लिस्ट देखकर वो हैरान रह जाती है, मेरे पास तो केवल 2 ही घंटे हैं और 2 घंटे में मैं ये 56 भोग की लिस्ट कैसे पूरी करूंगी? ऊपर से रसोई के अंदर बहुत ही छोटे छोटे बर्तन हैं, इन बर्तनों में तो 56 भोग बनाना बहुत मुश्किल होगा। पूजा ऐसा सोच रही होती है कि तभी दुर्गा उसे 2 पतीले देकर जाती है। ये हमारे बहुत पुराने पतीले हैं, जब भी 56 भोग बनाया जाता है तो इन्हीं के अंदर बनाया जाता है, अब तुम्हें भी इनके अंदर ही सारा खाना बनाना है। दुर्गा पतीले रखकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद जैसे ही पूजा पतीले देखती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उनमें से एक पतीले के अंदर एक छोटा सा छेद हुआ रहता है। जो पतीला सही सलामत होता है वो उसमें खीर चढ़ा देती है, जिसके बाद वो फूटे हुए पतीले को देखकर खुद से कहती है, अगर ये पतीला साबुत होता तो मैं इसके अंदर सभी पंडित के लिए हलवा बना देती, कम से कम एक साथ 2 चीजें तो बन जाती। पूजा जैसे ही ऐसा कहती है, उस फूटे हुए पतीले के अंदर से ढेर सारा हलवा प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर पूजा हैरान रह जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने हलवे की बात की ही थी कि अचानक से इस पतीले के अंदर हलवा प्रकट हो गया। पूजा उस पतीले के अंदर से उस हलवे को दूसरे बर्तन में निकाल लेती है, जिसके बाद वो पूरियों के बारे में सोचने लगती है। इतने सारे पंडित आए हैं, इनके लिए मुझे पूरियां भी बनानी होगी, अब मैं पूरियां किस में बनाऊं? पूजा के ऐसा सोचते ही उस पतीले के अंदर से ढेर सारी पूरियां प्रकट हो जाती है, जिसके बाद पूजा फिर से हैरान रह जाती है और ये जादू देखकर अपने हाथ जोड़कर कहती है, लगता है ये कोई मामूली पतीला नहीं,
बल्कि जादुई पतीला है। अगर इस पतीले में कोई जादुई शक्ति है तो वो मुझे जरूर बताए कि ये पतीला जादुई पतीला क्यों है। तभी पतीले के अंदर से एक देवी माँ निकल कर आती है और पूजा से कहती है, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये जादुई पतीला है। और ये जादुई पतीला इसलिए है क्योंकि ये स्वर्ग लोक से धरती पर गिर गया था, तब से तुम्हारी कंजूस सास ने इसे अपने पास रख लिया था। ये वापस स्वर्ग में नहीं जा सकता, इसलिए तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। तुम जो भी खाने का नाम लोगी वो इस पतीले में अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। आज से ये पतीला तुम्हारा हुआ। ऐसा कहते ही देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद दुर्गा की काली बहू लिस्ट में पढ़ पढ़ कर एक एक चीज जादुई पतीले से तैयार कर लेती है। देखते ही देखते पंडितों के खाने के समय ही 56 भोग तैयार हो जाता है। जैसे ही दुर्गा रसोई में आती है वो चारों तरफ 56 भोग देखकर हैरान रह जाती है। तुमने अकेले इतना सारा खाना बना लिया? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। क्या तुमने सच में अकेले ही ये सारा खाना बनाया है? हाँ माँ जी, इस रसोई के जादुई बर्तनों ने मेरी मदद की है और इस भोजन को बनाया है। चलिए अब ये सब पंडितों को परोस देते हैं। पूजा अपने ही हाथों से सभी पंडित को 56 भोग परोस देती है, जिसके बाद सभी पंडित खाना खाते हैं और जाने से पहले पूजा का खूब सारा गुणगान करते हैं और उसे ढेर सारा आशीर्वाद भी देते हैं। 56 भोग तो हर कोई बनाता है, लेकिन इस घर के 56 भोग ने हमारे मन को खुश कर दिया। बहू तुम सदा सुहागन रहो और दूधो नहाओ पूतो फलो। आशीर्वाद देकर सभी पंडित चले जाते हैं, जिसके बाद दुर्गा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे किसी भी लायक नहीं समझा, लेकिन तूने हर एक काम को बहुत ही शिद्दत से किया और तूने आज हमारे घर से पंडित को बहुत खुश करके भेजा। इन सब से मैं बहुत खुश हूँ। असल में तू ही इस घर की बहू कहलाने के लायक है। दुर्गा ऐसा कहकर अपनी बहू को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से दुर्गा के मन से सभी तरह का मन मुटाव मिट जाता है और वो अपनी बहू को दिल से अपना लेती है। वहीं अब पूजा गरीब लोगों के लिए हर सोमवार को जादुई पतीले की मदद से खाना बनाकर गरीबों में बांटती थी और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।